परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से वाराणसी के गोलगड्डा स्थित काशी डिपो का निरीक्षण किया और बसों की सफाई न होने, बस अड्डे के गंदे शौचालय को देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई। डीजल कितना खपत रोज होता है, कौन भरता है, डीजल कौन देखता है, डीजल कौन देखता है, भाई साहब सामने से आइएगा, भाई साहब 120 में कितनी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो रोज में कभी ड्राइवर वहाँ रहता है, कभी खराब रहता है, ये रिपोर्टिंग रहता है कितने ड्राइवर खराब होते हैं, कितने ड्राइवर क्या होते हैं, अलाटमेंट अलाटमेंट कौन करते हैं, ब्रह्मा कितनी गाड़ी खड़ी रहती है यहाँ पर, महीने में सर 20 गाड़ी, मतलब दस दिन से कितनी गाड़ियाँ खड़ी है जो अभी तक बनी नहीं, 10 दिन जो 10 दिन से काम चल रहा हो, 10 दिन सर काम नहीं चल रहा, 10 दिन से अभी एक हफ्ते से खड़ी है सर गाड़ी, बाड़ी सर बनवा रहे हैं, बॉडी बनवा रहे हैं, बॉडी के काम में बस में बाड़ी सर उसका करा रहा है, बॉडी का काम होता है, कितने स्टाफ है अपना बुलाओ तो स्टाफ पूरा, टोटल स्टाफ कितने होंगे इस समय तुम्हारे अंदर, सर हमारे यहाँ सर 32 तो जो रेगुलर है सर, और बाकी सर 35 आदमी आउटसोर्सिंग है सर, स्टाफ तो 32-33 कितने हो गए, 35 65 आदमियों को बुलाओ, खड़ा करवाओ, मैं आ रहा हूँ, 65 आदमियों को बुलाओ, टिकट भी कम, छुट्टी लिए होंगे ना, रजिस्टर ले आओ देखें कितने उपस्थित आज। साथ ही वहाँ स्टाफ कम होने पर रजिस्टर मांग लिया, वहाँ मौजूद सफाई कर्मी के बेटे को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी अधिकारियों को सौंपी। तुम्हारा बेटा है क्या, और ये भाई है, तुम एक काम कर सकती हो, ये गुटखा खाए तो इसको मारो, तो जो कुछ खा रहे तुम नहीं ना खाते हो गुटखा, झाड़ू फाड़ू तुम्हारे आज हम तो खा लिए, अच्छा खाते नहीं है। साथ ही मृतक आश्रितों की भर्ती भी जल्द ही कराने की बात भी कही। मंत्री ने बस अड्डे के चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया और जो भी कमियां थीं उसे तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।